एवरीबडी, यू गाइस आर वाचिंग ब्रॉन ब्यूटी सिमोर एंड बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मैंने किसी व्लॉग में इसके बारे में बात की थी और पूछा था आपसे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। सो बहुत सारे आपने कहा येस और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस भी आए कि मैं इस पर डिटेल में बात करूँ। सो या हेयर आई एम, आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे। सो बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरी फ्यूचर की वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक जरूर कर दें क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि वीडियो अच्छी है या नहीं। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें क्योंकि वो बहुत जरूरी है, मुझे मेरा इंस्टाग्राम बहुत ही क्यूटी पाई लगता है, तो जल्दी से फॉलो करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग बातचीत करेंगे मेरे बारे में, सो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काफ़ी ज़्यादा यकीन है। बचपन से ही मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मैं दुखी कम होती हूँ, बशर्ते मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दुख आए हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख आए हैं बचपन में, मैं उसके बारे में कभी बात करना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने बचपन में देखी हैं जो शायद बहुत सारे लोग ने नहीं देखी होंगी और आई विश कि वो देखे भी नहीं। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारा रोना धोना, बहुत कुछ देखा है मैंने मेरे बचपन में, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे डैड की डेथ हो गई थी, 4-5 ईयर्स की। सो 4-5 ईयर्स का बच्चा एंड उसकी जवान मम्मी, लाइक जितनी मैं हूँ इस टाइम, हिम्मत से एक साल बड़ी थी मैं। इस एज में किसी के पति की डेथ हो जाए, वो भी इंडिया जैसे प्लेस में जहाँ पे वुमेन का करियर ऑलमोस्ट पता नहीं क्या करेंगी वो, अगर वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो, अगर आपके पास कोई अच्छी जॉब्स हो तो ओके, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, सोसाइटी का, पैसे का, एवरीथिंग। सो मैंने बहुत 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 चीज़ें फेस की है, पर मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है और मेरी मम्मी ने मेरी परवरिश कुछ ऐसी की है कि मैं बहुत चीज़ों से दुखी नहीं होती हूँ, कोशिश रखती हूँ कि खुशी रहूँ। और पूरे कॉन्फिडेंट और पूरे बचपन से ही मुझे यकीन था कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया कि हम लोग की बहुत मुसीबतें आएंगी, फिर दिस दैट, कभी नहीं किया। मुझे पता था कि हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। सो वैसे होता क्या, पहली चीज़ कि मैंने हमेशा अट्रैक्ट किया यूनिवर्स से कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है, तो वैसा ही हुआ। अगली बात है कि जब मुझे मेरे हस्बैंड मिले, मैंने इमेजिन कर लिया कि मुझे इस बंदे के साथ शादी करनी है, कि आई डोंट नो कैसे होगा क्योंकि हम लोग डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं, और इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि इस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, पर हमारी सोसाइटी को है, हमारे फैमिलीज़ को है। पर मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, मुझे था कि मुझे इसी बंदे से शादी करनी है और मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि मेरी शादी इसी बंदे से होगी। सो एवरीथिंग फॉल इन द प्लेस, सब कुछ अपने आप बहुत आसानी से हो गया, बहुत स्मूथली, और कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं आई। सो सेकेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैंने सोचा वैसे ही हुआ, क्योंकि मुझे अपने सोचने पे 1% भी डाउट नहीं था। और कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप किसी को लव करते हैं पर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे और शादी नहीं हो पा रही, आप बहुत अपसेट हैं, क्या करें। उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत के चाहते हैं ना, वो आपको मिल ही जाती है। अगर ये सिचुएशंस पैदा हो रही हैं, दैट मीन कि कहीं ना कहीं तो कमी है, आपके लव में, उसके लव में कहीं ना कहीं कुछ तो रॉन्ग है। अदरवाइज ये प्रूवन है कि जब आपने किसी चीज़ को बेतहाशा लव किया है, वो आपको मिल गया है। या हमारी शादी होगी। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, हम लोग बेबी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे क्योंकि हमने बहुत यंग शादी कर ली थी। मैं 20 थी जब हमने शादी की थी, तो हम बेबी के लिए रेडी नहीं थे, तो आई नेवर वॉन्टेड अ बेबी। फिर अचानक से कुछ ऐसे दिन आ गए जब मुझे लगा कि ओ माई गॉड, मुझे बेबी चाहिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन पे बातचीत करते करते, ऐसे वो जॉब पे होंगे, मैं घर पे होंगी, हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे, और मैंने उन्हें कहा कि मुझे हिम्मत चाहिए, एंड ही सेड हिम्मत, ऐसा हमारा बेबी हिम्मत। सो आई थिंक ये बात है 2011 की। तब मैं डायरी भी लिखती हूँ, तो मैंने डायरी में लिख लिया कि मुझे हिम्मत चाहिए, और मैं पॉजिटिविटी में, भगवान में विश्वास करती हूँ, जिनमें मैं विश्वास करती हूँ वो है वाहेगुरु जी। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है, मैं डायरी में लिख लेती हूँ उनके नाम के आगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो मुझे मिलती है। दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 2011 में मैंने वाहेगुरु जी को कहा, वाहेगुरु जी को ही नहीं कहना है आपको, आप किसी में भी विश्वास करें, इवन यूनिवर्स लिख लें कि यूनिवर्स से मैं ये चीज़ की मांग करती हूँ, यूनिवर्स मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करो, वो करेंगे। मेरा माध्यम वाहेगुरु जी हैं, तो मैंने उनको कहा कि मुझे हिम्मत चाहिए जैसे कैसे भी। और तब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स थे, और हमने कनाडा की पीआर अप्लाई की,
और मैंने सोच लिया कि मुझे मेरा बेबी ऑस्ट्रेलिया में नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिम्मत कनाडा में चाहिए। सो जब भी मैं प्रेयर करती थी और मैं यही बोलती थी कि मुझे पापा जी मुझे मेरा हिम्मत दे दो, पर कनाडा में देना, यहाँ पे मत देना। सो और मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि कनाडा में जाके मुझे हिम्मत मिल जाएगा, जब हम कनाडा मूव होंगे तो मुझे हिम्मत मिल जाएगा। हम लोग कनाडा मूव हुए 2013 जनवरी में। तो हमारी कनाडा की पीआर आ गई 2012 में, पर हम मूव नहीं होना चाहते थे, हमने सोचा थोड़ी देर में मूव होते हैं। सो हम लोग मूव हुए 2013 जनवरी में, और 2014 में मेरे पास हिम्मत आ गया। पर मैंने हिम्मत बहुत समय से मांगा था। यहाँ पे आप जेंडर टेस्ट कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। सो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें जेंडर टेस्ट करना है, मैंने कहा कि या मुझे टेस्ट करना है। तो जेंडर टेस्ट करने के बाद हमारा प्लान था इंडिया जाने का, क्योंकि हमारे घर में शादियाँ थी, हम लोग इंडिया चले गए। जेंडर टेस्ट जो मैंने करवाया था वो सही उनको विजुअल अच्छा नहीं मिला था, वो कह रहे थे दोबारा से करना पड़ेगा। सो मैंने सोचा कि ओके इंडिया से आने के बाद करवाएंगे। तो इंडिया चले गए, मैं सिक्स मंथ प्रेगनेंट थी जब वापस आए, फिर से करवाया और रिपोर्ट आई। और मैं डॉलर स्टोर में थी, कुछ देख रही थी, और मेरे हस्बैंड रिपोर्ट पढ़ रहे थे। वैसे वो रिपोर्ट्स आपको हैंड ओवर नहीं करते, पर मुझे गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना था जो मेरा बेबी का स्टफ देखने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग ले जाओ अपने गायनी के पास ले जाओ अपनी रिपोर्ट्स। तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि मैं पूछ रही हूँ कि कौन आ रहा है हमारे घर में, तो ही सेड हिम्मत आ रहा है। आई सेड ओह माय गॉड हमारे घर में हिम्मत आ रहा है, ओह माय गॉड ये, क्योंकि मैंने तो हिम्मत ही मांगा था भगवान से और मुझे हिम्मत ही मिल गया था। बहुत हैप्पी हुई मैं। सो दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब आप यूनिवर्स से अपने, अगर किसी भगवान में विश्वास है आपको, अगर नहीं है तो यूनिवर्स से किसी भी अच्छी एनर्जी को मानते हैं आप, उनसे जो चीज़ मांगे और कभी भी डाउट नहीं करें, वो चीज़ आपको 110% मिलेगी। हो सकता है उसमें टाइम लगे, हो सकता है कि यूनिवर्स किसी और लोगों की चीज़ें पूरी करने में बिजी हो। सो कभी भी चीज़ पर डाउट नहीं करें, आपको ज़रूर से वो चीज़ मिलती है। सो नाउ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कैसे करना है? ओके, सो सबसे पहला काम है अपने आप को रिलैक्स कर लें, अपने दिमाग को थोड़ा खाली कर लें और मेडिटेट करें। किसी के बारे में बुरा मत सोचें, बुरी चीज़ें ना करें, क्योंकि जब आप बुरी चीज़ें सोचते हो तो यूनिवर्स वो बुरा ही अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। सो अपने माइंड को थोड़ा क्लीन कर लें और जो चीज़ भी आपको चाहिए वो मांगे उनसे। अब आपने मांग लिया है, अब क्या है कि डाउट नहीं करें कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, फिर यूनिवर्स भी थोड़ा डाउट में चला जाता है, दूँ नहीं दूँ। सो 110% हो जाए कि होगा ही होगा मेरे साथ ही है। आपको ये दूसरों को बताने की वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर बता भी सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट है। अब अगर अपनी विशेज दूसरों को बता देते हैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मेरे साथ होगा। हिम्मत के बारे में कि मुझे हिम्मत चाहिए, मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया था जो मेरे बहुत क्लोज थे। कल परसों मैं अपनी क्लोजेट को साफ़ कर रही थी, मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड मिला जिसमें लिखा हुआ था, 2012 में बनाया था वो मेरे दोस्तों ने ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि तुम्हें भगवान जल्दी से हिम्मत दे दे। वो मुझे बोल रहे दूसरे बेबी का नाम क्या रखोगे, मैंने कहा कि उसका नाम हिम्मत टू, तभी मैंने उसका नाम नहीं सोचा था, अब मैंने उसका भी सोच लिया है। सो ऐसे आप डाउट नहीं करें, कभी भी डाउट नहीं करें कि जो आपने सोचा है उसमें शंका मत रखें, क्योंकि छोड़ दें उन पे, भगवान पे, अपने वाहेगुरु पे छोड़ दें कि उनकी मजबूरी बन जाए आपकी हेल्प करना। ऐसे होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि 0% डाउट, यू नो दैट कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने अपनी डायरी पे लिख लिया था मुझे हिम्मत चाहिए, और मैंने लिख लिया कि आज मैंने हिम्मत का नाम भी डिसाइड कर लिया है कि मेरे आने वाले बच्चे का जो 4 साल बाद आएगा उसका नाम हिम्मत है। सो लिखें आप भी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर आपका कोई लव है, क्रश है, उसका नाम लिखें कि ओ माय गॉड हम लोग कितने खुश हैं। फील करें अपने आप को उसी चीज़ में, फील करें कि आप दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ कंपैशन में है। सो जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसको फील करें कि आपके साथ ऑलरेडी वो हो चुकी है, आप वो इंजॉय करें। विजन करें कि वो सारा क्रिएशन करें अपने दिमाग में, विजन देखें कि ओ माय गॉड सब कुछ अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए वो चीज़ों को विजन करें। अगली चीज़ है बी पेशेंट। ये जो यूनिवर्स है बहुत बिजी है, वो बेचारा मेरे पास बहुत सारे लोगों के विशेज हैं, और आप ये नहीं है कि आपने आज टेलीफोन कर दिया कि कल सुबह तक हो जाए, नहीं होगा। सेम चीज़ को बार 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 मांगते रहे। हमेशा भगवान का, पापा जी का, यूनिवर्स का थैंक्स ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं।
दुनिया में बहुत सारी ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही दुखों में हैं, बहुत मुसीबतों में हैं, जो भी आपके पास है अपने से नीचे की तरफ देखें कि ओ माय गॉड मैं तो बहुत अच्छा हूँ. सो हम अपनी ज़िंदगी में आपके आज आपने अच्छा खाना खाया है उसका थैंक्स करें, आप सुबह उठ गए हैं उसका थैंक्स करें, आपकी सेहत अच्छी है उसका थैंक्स करें, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, हर चीज़ का थैंक्स करें ताकि यूनिवर्स को, आपके भगवान को दिख जाए कि आप लोग आप कितने थैंकफुल हैं. तो उनके साथ अच्छा ही होता है. कभी भी ब्लेम मत करते रहें कि ये मुझे ये चाहिए था, मेरे साथ ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये चीज़ें मत करें. हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाएं, थैंकफुल रहें, आपके साथ अच्छा ही होगा. लास्ट में मैं यही बात करना चाहूँगी, सिर्फ अपने लिए ही अच्छा नहीं मांगें, दुनिया के लिए भी अच्छा मांगें, क्योंकि अगर आप दुनिया के लिए हरेक के लिए अच्छा मांगते हैं ना तो आपके साथ भी अच्छा होता है. अगर आपका कोई दोस्त मित्र फैमिली में कोई कामयाब हो रहा है आप उससे जालस मत करें क्योंकि फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा. दूसरों के सक्सेस में कामयाबी में हमेशा उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, ये आप पे रिटर्न में आएगा. अगर आप मन में सोचते हैं यार इसके साथ अच्छा कैसे हो गया, ओ माय गॉड ये तो बेकार है, तो फिर वह सारा आप पे ही हो जाएगा. या अच्छा इंसान बने, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा. उम्मीद है कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर आपने किया है तो आपको पता है क्या करना है, मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप लोग यकीन करते हैं या नहीं, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि पता चले कि लाइक किया है या नहीं, और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे तो करना बहुत ही जरूरी है. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, एनीथिंग. बाय.